हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपके भी यूट्यूब वीडियो या चैनल में इस तरह का कुछ साइन देखने को मिल रहा है जिसमें आपको लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन? तो मतलब कि इस तरह का साइन देखने को मिल रहा है और आप बहुत से परेशान है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज भी देख चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि जो आप कभी भी जो साइंस के क्वेश्चन को कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछिएगा या स्टूडेंट मतलब कि कॉमर्स के क्वेश्चन को साइंस के स्टूडेंट से पूछिएगा और साइंस के क्वेश्चन को कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछिएगा तो वो कभी भी नहीं बता पाएगा। और अगर अपने नॉलेज के बेसिस से बता भी दिया तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, मतलब ज्यादा आपको लाभ नहीं देगा, क्योंकि एक नॉलेज होता है वो अलग चीज होती है और एक एक्सपीरियंस अलग चीज होती है। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है मैंने भी फेस कर चुका और इस प्रॉब्लम को मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। दरअसल ये जो आप अभी देख रहे हैं तो ये मेरे पुराने यूट्यूब चैनल मतलब कि यूट्यूब चैनल के वीडियोस दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें कि अभी भी डॉलर पे साइन है, लेकिन जो मेरे मेन अभी यूट्यूब चैनल मैं चला रहा हूँ नया वाला, उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो इस वीडियो को हो सके लंबी बने लेकिन वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, ना तो आपको ये प्रॉब्लम मतलब कि कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं से भी बीच से आप स्किप कर देंगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा वीडियो को कैसे बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इसलिए कोशिश करें कि पूरा देखें। तो सबसे पहले तो आप अगर पीसी में मतलब कि पीसी में आप चला रहे हैं यूट्यूब चैनल तो गूगल क्रोम खोल लेना है, और अगर आपने स्मार्टफोन से चला रहे हैं तो उसमें भी गूगल क्रोम खोल लेना है, लेकिन आपको यहाँ पर लेफ्ट मतलब राइट कॉर्नर में आप ऊपर में आपको इस तरह का तीन डॉट्स देखने को मिलेगा, उसमें क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक कर लेना। उसको आपको उससे होगा क्या कि आपको जो है कि जो आपका क्रोम ब्राउजर है वो बिल्कुल कंप्यूटर में जिस तरह का ओपन होता है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसी तरह का आपको मोबाइल में भी इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद करना क्या, सिंपली आपको गूगल के क्रोम के मेन पेज में जाना है, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगो बना हुआ आ रहा है चैनल का, तो यहाँ पर जो चैनल का लोगो बना हुआ आ रहा है, तो आपको करना क्या है, जो आपके पुराने जीमेल अकाउंट है या आप बोल सकते हैं कि जो आपका पुराना यूट्यूब चैनल है जिसका आपको एडसेंस अकाउंट डिलीट करना है, मतलब कि पुराने एडसेंस अकाउंट को डिलीट करना है, उसका यहाँ पर आपको जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। अगर लॉगिन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको इसे अगर आपका दूसरा यहाँ पर जीमेल आईडी है तो इसे लॉग आउट करके आपको पुराने वाले को जीमेल आईडी को मतलब कि लॉगिन कर लेना। चलिए आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। आप यहाँ पर मैं पेंट खोल लेता हूँ पहले, एक सेकेंड वीडियो को फिर से बोल रहा हूँ कि पूरी देखे, नहीं देखोगे तो आप ही का घाटा है, इसे मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए मैं आपको दिखाता, जैसे ये हो गया, हैंडराइटिंग में मत जाइए या ड्राइंग में मत जाइए, वीडियो को समझिए बढ़िया से। जैसे हो गया बी, ये जो हो गया मेरा ये हो गया ओल्ड यूट्यूब चैनल, ठीक है, और ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया ओल्ड यूट्यूब चैनल और ये हो गया मेरा न्यू यूट्यूब चैनल, ठीक है। ए जो है ओल्ड है मेरा और बी है न्यू यूट्यूब चैनल। तो करना क्या है, सिंपली कि आपको जैसे कि आपने ए जो आपका है मतलब कि यूट्यूब चैनल जो पुराना है आपका यूट्यूब चैनल, तो उसमें आपको एडसेंस बनाया था लेकिन किसी कारणवश आपको ये यूट्यूब चैनल नहीं चलाना है या तो फिर मोनेटाइज नहीं कर पाए या तो कुछ भी बहुत सारे कारण होते हैं, तो इसमें आपको एडसेंस अकाउंट आपने बना चुका था लेकिन आपको पता नहीं था कि दो एडसेंस अकाउंट बनाने पे आपको मतलब कि एडसेंस अकाउंट आपका बंद हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि बी एक चैनल नया चैनल खोला, उसने भी एडसेंस बना दिया उसी नाम से, तो क्या हो गया कि दोनों में आपको डॉलर के साइन के आगे क्रॉस का निशान आ गया और आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। तब आपको ईमेल आया होगा, एक ईमेल आया होगा कि आपको उस ईमेल में लिखा हुआ होगा कि जो आपका पुराना ईमेल आईडी है मतलब कि एडसेंस अकाउंट है, इसीलिए आप नया एडसेंस अकाउंट नहीं खोल सकते, पुराने को या तो डिलीट कीजिए उसके बाद नया खोलिए, या तो आप चाहे तो जो कि है कि पुराने को अगर डिलीट नहीं करना चाहते तो नया वाला ही आप डिलीट कर दीजिए और पुराने को फिर से लॉगिन कर लीजिए अपने नए वाले यूट्यूब चैनल में। तो सिंपली आज हम क्या करने वाले हैं, आज जो है कि हम पुराने वाले यूट्यूब चैनल का एडसेंस को डिलीट करेंगे और जो नए वाला यूट्यूब चैनल है उसमें एडसेंस क्रिएट करेंगे, नया एडसेंस। तो सिंपली आपको करना क्या है,
जो पुराने वाला एडसेंस अकाउंट है आपका, वो आपका क्रोम में जीमेल यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। आपको यहाँ पर जीमेल लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर जीमेल लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली, मैं एक पहले आपको एक ईमेल दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह के ईमेल आया होगा, आपको हम दिखा देते हैं आपके तसल्ली के लिए। तो देखिए, मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देख के बहुत बार ट्राई किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने ईमेल्स आए थे मुझे। हर बार मैंने ट्राई करता था और नेक्स्ट डे फिर से ईमेल आता था कि आपका अप्रूव्ड नहीं हो सकता, गूगल एडसेंस पहले से है इसी की वजह से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडसेंस अकाउंट, एक दो है यहाँ पर, तीन है, चार है, आप नीचे भी देख सकते हैं, पांच है। मैंने 5-6 बार ट्राई किया था, तब लास्ट में जाके मुझे, मतलब अपने थोड़ा सा सर्च किया मैंने इधर उधर, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो आपको ईमेल दिखा देते हैं किस तरह का ईमेल आया होगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह का आपको कुछ ईमेल देखने को मिलेगा, आपको कुछ इस तरह का ईमेल आया होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर जो सेकेंड नंबर में आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि कैंसल योर एडसेंस अकाउंट। इसमें बोला जा रहा है कि आप अपने एडसेंस अकाउंट को, पहले वाला जो एडसेंस अकाउंट को, उसको डिलीट कीजिए। उसके बाद, मतलब कि उसके बाद आप नए वाले एडसेंस अकाउंट को फिर से ट्राई कीजिए साइन इन करने का, ठीक है। आप यहाँ पर, अगर आपको पता नहीं कि आपको जो पुराने कौन सा जीमेल, बहुत सारे क्या होता है कि बहुत लोग बहुत सारे जीमेल आईडी बना लेते हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता कि मैंने कौन से जीमेल से कब एडसेंस क्या बनाया था। आपको देखिए यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर ब्लर कर रखा हुआ सिक्योरिटी बेसिस पे, लेकिन आपको यहाँ पर मतलब लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका कौन सा जीमेल आईडी से प्रॉब्लम हो रही है, क्रिएट हो रही है जिस वजह से, ठीक है। तो आपको सिंपली इस जीमेल आईडी से यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है आपको पुराने वाले में, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि कैंसल योर एडसेंस अकाउंट लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको नया पेज, नया टैब ओपन होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसको यहाँ पर आपको लिखा हुआ है हाउ टू कैंसल योर एडसेंस अकाउंट। उसमें आपको जाके कुछ नहीं करना, आपको नीचे एक बार स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कैंसल योर अकाउंट। कैंसल योर अकाउंट में आप यहाँ पर साइन इन लिखा हुआ है हल्का ब्लू कलर में, उसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से एक नया टैब ओपन होगा, आपको फिर से कुछ नया एड, मतलब कि ये एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो थोड़ा टाइम ले रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो ये जो मेरा एडसेंस अकाउंट है खुल गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे लेफ्ट में, तो आपको सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। आप जैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने तो यहाँ पर फिर से ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी बेसिस पे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का आपको लिखने को, मतलब लिखा हुआ मिलेगा अकाउंट स्टेटस, उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा ओपन, यहाँ पर लिखा हुआ होगा कैंसल अकाउंट। आपको सिंपली कैंसल अकाउंट में क्लिक कर देना है। कैंसल अकाउंट आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपने जो जीमेल आईडी से यहाँ पर लॉगिन किया था उसी जीमेल में आपको एक, मतलब ईमेल आएगा गूगल एडसेंस की तरफ से। तुरंत ही ईमेल आ जाता है गूगल एडसेंस की तरफ से और आपको उस ईमेल में जाना है। ईमेल में जाने के बाद एक लिंक मिलेगा आपको, चलिए हम ईमेल दिखाई देते हैं किस तरह की ईमेल आएगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये जो है कि मेरा नया वाला, मतलब कि जो भी अकाउंट था मेरा नया अकाउंट है ये, तो मैं फिर से कैंसिल कर दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। बस मैं आप सबको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तभी ना वीडियो बनाऊंगा, पहले ही बना देता तो फिर तो कोई वही बात हो जाता है कि कॉमर्स और साइंस वाला। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर किस तरह का आपको ईमेल आएगा। इसको जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके जीमेल में ही, इसी जीमेल में आपको एक ईमेल मिल जाएगा गूगल एडसेंस की तरफ से। तो चलिए आपको सिंपली दिखा देता हूँ, मैं अपने पुराने वाले ईमेल, मतलब कि लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ईमेल आएगा। यहाँ पर लिखा होगा हेलो गूगल एडसेंस की तरफ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखा होगा हेलो, आपका ईमेल आईडी लिखा हुआ होगा, उसके बाद लिखा होगा यू हैव रिक्वेस्टेड दैट यू परमानेंटली कैंसल योर एडसेंस अकाउंट। आपका यहाँ पर आईडी लिखा हुआ होगा टू कम्प्लीट द प्रोसेस प्लीज क्लिक द लिंक बिलो विद इन नेक्स्ट 24 आवर।
तो यहाँ पर आपको जो 24 घंटा के अंदर यहाँ पर लिख के जो मिलेगा आपको, उसमें आपको लिंक में क्लिक कर देना है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपका जो इसमें फिर से एक नया इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये ओपन नहीं होगी क्योंकि 24 आवर से ये ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आप यहाँ पर, चलिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटरडे की है जो कि 4 दिन पहले की है ये जो मतलब ईमेल आई हुई, इसलिए 24 आवर के अंदर ही क्लिक करना था, तो इसलिए ओपन नहीं होगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया और टैब यहाँ पर ओपन होगा, उसमें आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि जो आपका ईमेल आईडी है, जो पुराना वाला जो गूगल एडसेंस था आपका यूट्यूब चैनल का, वो जो परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, आपको चलिए फिर एक बार दिखाई देते हैं कि आपको किस तरह से वो दिखेगा आपको जो एडसेंस अकाउंट है। फिर से मुझे लॉगिन करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कंफर्म रीचेक भी कर सकते हैं कि आपका अकाउंट डिलीट हुआ कि नहीं, इस तरह से जो जैसे अभी मैं करने वाला हूँ, तो सिंपली एडसेंस लिखना और क्लिक कर देना। जैसे आप एडसेंस में क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट वाले लिंक में क्लिक करना है, उसके बाद साइन इन में आपको क्लिक करना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आपके ईमेल में जो लिंक मिला हुआ होगा, उस लिंक से आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको टैब ओपन मिलेगा और उसमें लिखा हुआ होगा द एडसेंस अकाउंट लिंक टू दिस गूगल अकाउंट इज क्लोज, मतलब कि आपका जो पुराना यूट्यूब चैनल का पुराना एडसेंस अकाउंट था जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, वो आपका एडसेंस अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है। अब करना क्या है आपको कि मतलब कि ये डिलीट हो चुका है, जिससे आप कंफर्म हो जाए कि आपका एडसेंस अकाउंट डिलीट हो ही गया। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, और अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा तो फिर से आप ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसे कि फर्स्ट टाइम में हो जाता है कि ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से करना क्या है कि फिर से आपको नए वाले जो आपका यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको जीमेल आया था कि यू हैव ऑलरेडी अ एडसेंस अकाउंट, उस जीमेल में फिर से आपको जाना है। तो चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वही वाला जीमेल आईडी जो मतलब कि यू हैव ऑलरेडी हैव एडसेंस अकाउंट, वही जीमेल में आपको नए यूट्यूब चैनल के जीमेल में आपको जाना है। और फिर से करना क्या है कि आपको जो यहाँ पर अब जो आईडी होगा ना आपका लॉगिन आईडी, मतलब कि आपका जो जीमेल आईडी होगा वो यहाँ पर अब पुराना यूट्यूब चैनल का नहीं होगा, आपको फिर से लॉग आउट करना है और जो आपका नया यूट्यूब चैनल होगा उसका यहाँ पर होना चाहिए आपका जीमेल आईडी लॉगिन, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, जो फर्स्ट टाइम आप करेंगे प्रोसेस को उस टाइम यहाँ पर आपका पुराना एडसेंस अकाउंट का जीमेल होना चाहिए लॉगिन। अब जब आप दूसरी टाइम करेंगे प्रोसेस को तो उस टाइम करना क्या है कि आपको यहाँ पर नया वाला जीमेल आईडी होना चाहिए, यूट्यूब मतलब नया यूट्यूब चैनल का या एडसेंस अकाउंट का जीमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को गांठ बांध ले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नया वाला मतलब ऑन रखना। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से कर लेता हूँ एक बार, देखो मैंने एक बार लॉग आउट किया था तो अभी फर्स्ट तुरंत लॉग आउट किया था, तो इसीलिए फिर से करना पड़ेगा। चलिए फिर से कर लेते हैं फटाक से। मैं तो मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नया वाला यूट्यूब चैनल है उसे मैंने ओपन मतलब कि नया वाला जो यूट्यूब चैनल का जीमेल है उसे लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मैंने क्या बोला कि जो आपका जो जीमेल यहाँ पर है जो नए वाले जीमेल में आपका आया था उसमें आपको ट्राई साइन इन अगेन लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना। मैं बेसिकली यहाँ पर क्लिक करूंगा तभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिंपली आप इसीलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक और नया टैब आपको यहाँ पर ओपन मिलेगा, उस टैब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कुछ। ठीक है, उसमें आपको उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आपको सिंपली उसमें करना क्या है, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि क्या आपने अपने मतलब कि जो पुराने एडसेंस अकाउंट को वो आप कंफर्म है कि डिलीट कर चुके हैं,
तो आप तो कंफर्म है कि डिलीट कर चुके हैं, तो वहां पर टिक का ऑप्शन होगा, तो टिक में मतलब वहां पर टिक कर देना है, बॉक्स होगा तो बॉक्स में आपको टिक कर देना, तो टिक का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे वो लिखा रहेगा साइन इन या ओके या कुछ इस तरह का लिखा हुआ रहेगा, उसमें आप सिंपली क्लिक कर दे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आपको ऊपर में आएगा कि जो आपका प्रॉब्लम है 1 दिन से कम में, या तो कभी कभी 1 दिन से ज्यादा भी लग जाता है, तो उस टाइम में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको होगा क्या कि आप 1 दिन के बाद देखेंगे, या तो फिर हो सके 1 दिन से कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, आप अपने चैनल में जाएंगे, यूट्यूब चैनल में, चलिए आपको दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल आप जैसे ही जाएंगे, तो जैसे ही आप अपने यूट्यूब चैनल में जाएंगे, तो आप जो यहाँ पर अभी इस तरह का डॉलर का साइन देखने को मिल रहा है, आपको मोनिटाइजेशन डिसेबल हो चुका है। तो जैसे ही आप अपने नए वाले यूट्यूब चैनल में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो डॉलर वाला साइन था वो हट चुका है, आपका मोनिटाइजेशन जो डिसेबल हुआ था वो फिर से इनेबल हो जाएगा। और आप, हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा नया वाला यूट्यूब चैनल है, इसमें जो मोनिटाइजेशन डिसेबल हुआ था वो फिर से इनेबल हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और आप चाहे तो अगर पुराने वाले जो आपका एडसेंस अकाउंट था, जो मान लीजिए आपको पुराना वाला जो आपका यूट्यूब चैनल था उसको भी अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, तो जो इससे आपने नए वाले एडसेंस अकाउंट बनाए उसमें आपको जो पब्लिशर आईडी और वो ये सब मिला है, वही आईडी से आप उसमें भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस कभी बाद में बताऊंगा, ऐसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो अगर वीडियो पसंद आया और रियली में, और अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, ये प्रॉब्लम वाकई में आपको सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो आपका अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है मतलब इस तरीका से, तो हो सके आपको वीडियो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, इसलिए आप कमेंट करके बताएं अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। या तो मेरे आपको जीमेल भी मिल जाएगी, मतलब जीमेल आईडी भी मिल जाएगी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, मैं ईमेल का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और हाँ, ये प्रॉब्लम आपको जरूर से जरूर सॉल्व हो जाएगी, मेरी भी प्रॉब्लम थी, मैंने सॉल्व कर चुका है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। Yeah.